एज यू ऑल नो दैट कि हैमर इंफोटेक कंपनी के लिए आप लोग फिलहाल प्रमोटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रमोटर की जॉब की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको हमारी कंपनी को प्रमोट करना है, तो ऑब्वियस चीज है कि जब कंपनी को प्रमोट करना है तो आपको कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी नाम क्या है और क्या करती है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैमर इंफोटेक जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें हम मेनली कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हुए कंटेंट क्रिएशन और ब्रांड बिल्डिंग का काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती है बट हम सारी चीजें कवर अप नहीं करते हैं, कंटेंट क्रिएशन और ब्रांड बिल्डिंग हमारा मेन फोकस होता है। डिजिटल मार्केटिंग में काफी कंपनीज होती है जो वेब डेवलपमेंट भी देती है, एसईओ भी देती है, बट हमारा फोकस उस तरफ कम होता है। उन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को अपने ऑपरेशंस करने के लिए कंटेंट सबसे प्योरली रिक्वायर्ड होता है, तो हम उन लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी कंटेंट रिक्वायर रहता है उन्हें, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और उनके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए कुछ मार्केटिंग सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस मैम, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो पूछ लेना। हमारी कंपनी 2016 से वर्क कर रही है, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड जो हम लोगों ने स्पेंड किया है मार्केटिंग के फील्ड में। इतना ही अच्छा हमारा रेपो भी है, एक्सपीरियंस भी है, जो आपको और क्लाइंट्स लाने में हमेशा हेल्प करेगा और उन्हें बेस्ट सर्विसेज देने में हेल्प करता है हमको। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है यू नो दैट कि हमें उतना ही अच्छा मार्केट का नॉलेज होता है और उतनी ही टेक्नोलॉजी हम लोग ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2016 में हम जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते थे आज भी उसी पे कर रहे हैं, जैसे ही लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आती है हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। सो 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं और अपडेटेड वे में काम कर रहे हैं, न्यू क्लाइंट्स न्यू प्रोजेक्ट्स पर हमेशा हम वर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारी कंपनी के नेम में लोग हैमर पढ़ते हैं तो हैमर का एक्चुअली मीनिंग हथौड़ा होता है, तो लोगों के माइंड में सबसे पहला थॉट जो आता है वो यही होता है कि कंपनी के नाम में हैमर क्या कर रहा है। तो अगर आपसे भी कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि आप हैमर इंफोटेक कंपनी में काम कर रहे हो तो हैमर का क्या मीनिंग है वहां पर, ऐसा कंपनी का नाम क्यों है, तो यू मस्ट नो दैट कि हमारी कंपनी का जो हमने नाम रखा था वो एक कहावत से इंस्पायर्ड होके रखा था, जिसका मीनिंग है कि अगर आपके पास एक अकेला औजार हैमर है मतलब हथौड़ा है, तो आपके आसपास की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे आप एक नील मतलब कील की तरह देखते हैं। इसका अगर कंसेप्ट समझे तो मीनिंग ये होता है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज से हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो रिसोर्सेज आपका टैलेंट हो सकता है, आपका बजट हो सकता है, किसी भी तरह का वो रिसोर्स हो सकता है। तो हमारी जो कंपनी है उसका हमेशा से ये मानना रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो स्मॉल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका बजट कम होता है, उनकी सर्विसेज कम होती है, उनका नॉलेज खुद का कम होता है, तो हम उनके पास जितनी फैसिलिटीज या रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाए। उनके बजट कम होने के बाद भी हम उन्हें अच्छे से अच्छी ब्रांड बिल्डिंग प्रोवाइड कर पाए, ये हमारा थॉट रहा है, दैट्स व्हाई हमने कंपनी का नाम हैमर रखा है। क्लियर है? सेम एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयज टू, हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि उनका जो टैलेंट है उसे वो हमारी कंपनी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हर इंसान की अपनी अलग टैलेंट होता है, स्किल्स होता है, हम उन्हें उनके अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। बट हाँ, हमसे एंट्री लेवल बहुत कम है। हमारी कंपनी में एंटर होने के लिए सिर्फ दो ही लेवल होते हैं, आपको एंटर वहीं से होना पड़ेगा, बट जितना ज्यादा आप डेडिकेशन दे पाएंगे, जितना अपनी स्किल्स को शोकेस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ हमारी कंपनी में मिलेगी। ठीक है, कोई डाउट कुछ क्यूरी? नो ओके, तो सेकंड चीज, हमारी कंपनी का विजन क्या है?
किस बेसिस पर हम अपनी नई फ्यूचर जो हमारे आइडियाज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हम लाते हैं, या हमारी कंपनी किस थॉट के ऊपर सरवाइव करती है। तो उसका सिंपल सा फंडा है, रीजन है कि हमें सबको पता है कि जितना ज्यादा आज ग्रोथ हमारी इंडिया में हो रही है या फॉरेन में हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है डिजिटलाइजेशन। एवरीथिंग, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, आपकी कुछ भी चीज हमें खरीदी करनी है, कुछ भी चीजें हो जो लोगों से जुड़ी हुई है, एवरीथिंग टर्न इनटू डिजिटलाइजेशन। इवन आप डॉक्टर की कंसल्टेंसी भी ऑनलाइन ले सकते हो, रेकी एंड हीलिंग का काम ऑनलाइन हो रहा है। सो एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में आ रहा है, हमें इस तरह की सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, सभी चीजें डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट होती जा रही है। तो हमारा विजन यही है कि जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और फ्यूचर में ये डिजिटलाइजेशन बढ़ना ही बढ़ना है। सो उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे फोकस रखती है। क्लियर है? अगर हमारे मिशन की बात करें तो जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, हमारा गोल यही रहता है कि जो भी रेट बजट हमारे क्लाइंट के पास है या जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, उसमें हम उसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए, प्लस डिजिटलाइजेशन के बेसिस पर ही हम जितने भी हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें अगर लाइफ में आगे कुछ करना है तो उन्हें हम वर्क फ्रॉम होम के सर्विसेज दे पाए, या कुछ स्मॉल टाउन में रहने वाले स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स है, उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम उन्हें उनके स्किल बेसिस पर वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करें, ये हमारा मिशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कि आपको एक्चुअली में प्रमोट क्या करना है। ये तो हमारी सिर्फ कंपनी के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीजें बताई, बट जब हमने कहा आपको हमारी कंपनी प्रमोट करना है एज अ प्रमोटर या मार्केटर, आपको जॉब करनी है, तो आपको कुछ सर्विसेज है जो अभी हम सिर्फ अभी के लिए टारगेट कर रहे हैं। हम हर 3 महीने में अपनी सर्विसेज या प्रमोशनल एक्टिविटीज रिफ्रेम करते रहते हैं, हम हमेशा एक ही चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारी कंपनी में जैसे हमने कहा, कंटेंट क्रिएशन हमारा मेन सर्विस है, बट उसके सिवा हमारे पास दूसरी अदर सर्विसेज भी है जो हम प्रमोट करते हैं। तो हम हमारे साथ 2 या 3 महीने में वो चेंज करते रहते हैं कि आपको पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ यही सर्विसेज आपको प्रमोट करनी है। तो फिलहाल करंटली आप लोगों को जो प्रमोट करनी पड़ रहेगी वो 2 सर्विसेज हैं। पहला है, स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? चलो ऊपर लिख देती हूँ। पहला जो है वो है YouTube वॉच टाइम्स। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनके वॉच आवर्स बढ़ जाए ताकि उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अगर ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास कंटेंट तो बहुत अच्छा है पर उन्हें घंटे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोनेटाइजेशन के लिए। मतलब यूट्यूब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड डिसाइड करके रखता है, टारगेट रहता है कि अगर आपने इतने घंटे अचीव कर लिए हैं उसके बाद ही वो आपके यूट्यूब चैनल पर एड्स दिखाएगा और उससे आपको अर्निंग मिलेगी। तो हम वो घंटे प्रोवाइड कराते हैं, उन घंटों की बदौलत ये पूरे रियल होते हैं, इसमें वैलिड होते हैं, इसमें से ऐसा कोई भी घंटा नहीं रहेगा जो वो कैंसिल करके आपका मोनेटाइजेशन नहीं देगा। ये 100% वैलिड आपको वॉच आवर्स होंगे और इनकी हेल्प से आप जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन प्रोवाइड करा सकते हो। बट हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ यही है कि आपके पास उतना प्रॉपर कंटेंट होना जरूरी है। अगर कंटेंट नहीं है तो उसके लिए हम अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बट हमारा जो फर्स्ट सर्विस यहाँ पर प्रमोट करने के लिए है वो सिर्फ घंटे प्रोवाइड करने के लिए है। ये वाला जो पोस्टर है ये सिर्फ आपको घंटे हम कितने रुपए में कैसे प्रोवाइड करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन देगा, बाकी अगर कोई और गाइडलाइंस चाहिए तो उसके लिए अदर सर्विसेज हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? कोई नो मैम, ठीक है, तो फर्स्ट ये सर्विस है जो आपको प्रमोट करनी रहेगी। सेकंड सर्विस जो है वो है रिव्यूज।
मेनली अभी हम गूगल बिजनेस के रिव्यूज पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। गूगल रिव्यूज जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग जब गूगल करते हो, जैसे हमें आसपास का कोई रेस्टोरेंट चाहिए, ब्यूटी पार्लर के बारे में सर्च करना है, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें कौन सी शॉप नियर बाय है चेक करना होता है, तो हम गूगल पे टाइप करते हैं और जो सबसे ऊपर के रिजल्ट आते हैं हम उन्हें प्रिफर करते हैं। तो ऊपर वाला रिजल्ट हमारी कंपनी का आए, इसके लिए बेस्ट रिव्यूज होना और ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज होना जरूरी होता है। तो हम वो एक बेस्ट रिव्यू की सर्विसेज पे अभी हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि उस बिजनेस की ग्रोथ में, उसकी ब्रांडिंग में हेल्प हो सके। तो इस रिव्यू का जो रेट होता है वो 25 रुपीज पर रिव्यू होता है, इसी पोस्टर में मैंने दे रखा है। ये दो चीजें आपको प्रमोट करनी है, पहला यूट्यूब वाला, दूसरा ये रिव्यू वाला। अब ये दोनों चीजें आप प्रमोट कैसे करोगे? तो जितनी भी प्रमोशनल चीजें होगी उसको आपको, जिस हम बिजनेस ग्रुप पे ऐड किया है हमने, उसी में हम आपको एक एक इनके पोस्टर शेयर करेंगे, प्लस उसी के साथ में कैप्शंस लिखा हुआ होगा। आपको इन्हीं पोस्टर्स और कैप्शंस को अपने कंटेंट में शेयर करना है। आप व्हाट्सएप का भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी यूज कर सकते हो, फेसबुक का भी कर सकते हो, तीनों में हमारे अकाउंट्स भी है। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया पे भी हो तो हम ट्विटर मीन्स एक्स और थ्रेड पर भी है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, खुद की भी पोस्टिंग कर सकते हो। जस्ट आपको पोस्टिंग करना है, लोगों के सामने इस पोस्टर को विजिबल करना है, उसके बाद उन्हें जो भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर लेंगे। आपको किसी को फोर्सफुली मनाना नहीं है कि उन्हें सर्विस लेना ही है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप उनकी क्यूरीज को अटेंड करोगे सिर्फ, ठीक है? क्लियर है? हाँ क्या जी, करना है क्लियर है? हाँ जी, निशा जी, श्रेया, अंजना जी, अंजना, ठीक यस है? आपको सिर्फ शेयरिंग करना है। शेयरिंग करने के बाद जो लोग आपसे क्यूरीज पूछेंगे, ऑब्वियसली पोस्टर देखेंगे, आपका मैसेज पढ़ेंगे, तो वो उसके ऊपर कमेंट करके आपसे कुछ पूछेंगे, तो उसके आंसर्स काफी हद तक मैंने अभी आपको दे दिए, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाएगा कि किस चीज का क्या आंसर देना है। उसके बाद भी अगर कुछ क्यूरी ऐसी आती है जिसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि मुझे इसका रिप्लाई क्या करना है, या कॉल करके पूछ सकते। ज्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे डायरेक्ट मेरा नंबर दे सकते हो और उसे बोल सकते हो कि रेफरेंस आईडी में आपका नाम बता दे, ठीक है? क्लियर ओके मैम, है? ओके मैम। वैसे ही पोस्टर देख के डायरेक्ट कॉल तो आपको ही करेंगे ना, वैसे भी नंबर तो आपका ही है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब पोस्टिंग कहीं करी जाती है तो सामने वाला आपसे कनेक्टेड होता है, तो वो पहली क्यूरी वो आप ही से पूछेगा, नहीं, ठीक जैसे है? कोई हाँ, अननोन भी ऐड होते हैं ग्रुप में तो डायरेक्ट भी भी कर लेते होते हैं हैं कॉल। तो हाँ डायरेक्टली भी करते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक यही चीज बताना चाह रही हूँ कि जहां भी आप पोस्ट करोगे तो जो कंटेंट मैंने भेजा है उसके साथ में कैप्शन मैं भी भेजूंगी, उस कैप्शन के ऊपर या नीचे, कैप्शन के जस्ट नीचे आप रेफरेंस आईडी करके अपना नाम लिख देना, और ये मेंशन कर देना कि जब भी वो अगर कहीं और से डायरेक्ट उसे कांटेक्ट कर रहा है तो वो रेफरेंस आईडी बता दे, ठीक है? और नहीं, कुछ क्यूरी? श्योर? अब ये जो दो थी, ये मेरी अभी मेन अगले 2 महीने तक जो मुझे प्रमोट करनी है, ये वो वाली सर्विसेज है। इसके सिवा भी हमारी और भी सर्विसेज है, मैं उनके बारे में भी बता रही हूँ, ताकि अगर क्यूरीज आपके पास उस तरह की भी आती है तो आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा क्लाइंट्स और कस्टमर्स आप लेकर आएंगे उसी बेसिस पर आपको कमीशन मिलने वाला है। तो अदर सर्विसेज भी आपको पता हो तो वो बेटर होगा। तो फर्स्ट अगर हमारी टोटल सर्विसेज की बात करें तो ब्रांड बिल्डिंग हमारे पास है। ब्रांड बिल्डिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताने वाली हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया पेज क्रिएशन और उसका मैनेजमेंट, देन कुछ स्किल ट्रेनिंग सेशंस भी हम लोग लेते हैं, और कुछ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं,
या उनके असाइनमेंट्स होते हैं, उन असाइनमेंट्स को भी हम लोग बनाकर देते हैं। प्लस कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने खुद के नोट्स बना के स्टूडेंट्स में शेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम नोट्स बनाते हैं। कंटेंट क्रिएशन में ही एक्चुअली में अकेडमिक कंटेंट भी आता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट चाहता है उसका अलग वे में, एक सिंपलेस्ट वे में कंटेंट लोगों तक पहुंचे, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए हम उनके पर्सनलाइज नोट्स भी बनाकर देते हैं। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि हमारे ब्रांड को और अच्छी रिकॉग्निशन मिले, लोग नाम से पहचानने लगे, तो उसको ब्रांड बिल्डिंग कहा जाता है। और उस ब्रांड बिल्डिंग के लिए जो हम एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, उसमें फर्स्ट है जो भी उस ब्रांड की पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो हमसे कनेक्ट हुआ है, तब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और हमने जब अपने कैंपेन्स रन करे उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो हम टाइम टू टाइम एनालिसिस करते हैं। फिर कैंपेन क्राफ्ट करते हैं जिससे उसकी ब्रांड बिल्डिंग हो, मतलब उसका ब्रांड हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जानने लगे। उसके लिए हम कुछ कैंपेन्स बनाते हैं, उस कैंपेन के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, या हो सकता है क्लाइंट के पास खुद के पास अपना कैंपेन बना हुआ हो, बट उस कैंपेन के लिए उसके पास प्रॉपर कैप्शंस या कंटेंट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, मैसेजेस या इमेजेस वीडियोस नहीं है, तो हम चीज बनाकर देते हैं जो आपका कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट, उसको ब्रांड बिल्डिंग करना है तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कुछ प्रोफाइल उसे क्रिएट करके उसमें एक अच्छे लेवल पे ऑडियंस को फॉलो या सब्सक्राइबर करवाना पड़ता है, तो वो फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर लाने के लिए कैसे उस प्रोफाइल को बेस्ट वे में क्रिएट किया जाए और मैनेज किया जाए, वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग से वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट्स पर लिस्टिंग की जाती है और अच्छी रैंकिंग वहां पर प्रोवाइड की जाती है, ताकि उस डायरेक्टली में जब लोगों जाए और सर्च करे तो वो टॉप पर दिखाई दे। जैसे जस्ट डायर होता है, सुरेखा होता है, वहां पर आपकी लिस्टिंग करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी पर्टिकुलर वाली भी होती है, जैसे आप अगर इवेंट प्लानर्स वगैरह हो या इवेंट की कोई टिकट वगैरह आपको सेल करने होते हैं, कंसर्ट करवाना होता है, तो उसके लिए कुछ अलग साइट्स होती है। तो उन साइट्स पे कैसे आपके उन चीजों की लिस्टिंग करना है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। पीपीसी मतलब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग लगवाना, स्पॉन्सरशिप करवाना आपके पोस्ट की, एंड अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो आपने ऑनलाइन प्रोफाइल आपके सोशल मीडिया पे बनाई है उस पर आपको ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रही है, लोग आपको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, वो होता है नेगेटिव रेपुटेशन मैनेजमेंट। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट, कुछ क्यूरी? ओके, इसके बाद कंटेंट क्रिएशन में हम क्या क्या करते हैं, इसकी एक लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगी उसमें भी मिल जाएगी, एंड रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी उसमें भी मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल में मैं ये नहीं समझा रही हूँ, जस्ट कंटेंट क्रिएशन के हमारे कुछ पोस्टर्स बने हुए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको शेयर करके क्लाइंट से पूछ सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट बना के दे सकते हैं। सॉरी, ये कंटेंट क्रिएटर का पोस्टर है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसी तरह डिजाइनिंग में भी इतने सारे टाइप्स हैं जो हम अलग अलग तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग बनाते हैं। मिनिमम रेट हमारे 200 रुपए पर पेज या पर डिजाइन है, जैसे पोस्टर और फ्लायर्स है, तो ऑब्वियसली एक बंदा एक बार में एक ही पेज में एक पोस्टर बनवाता है, तो उस एक पोस्टर का 200 रुपए चार्ज रहेगा। बट जैसे सीवी बनता है या फिर इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस के हम 200 रुपए पर पेज के अकॉर्डिंग लेते हैं मिनिमम रेट। उसके बाद उसको ग्राफिक में अगर कुछ ज्यादा हाई लेवल का चाहिए या कुछ अलग हमारे को मेहनत करके डिजाइन करके कुछ बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रेट कम ज्यादा हो सकते हैं। ये सिर्फ डिजाइनिंग के कंटेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करना होगा। टिकट का डिजाइनिंग हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्यूरी? नो। ओके,
इसके बाद टाइपिंग में हम क्या क्या चीजें टाइप करते हो, कितने तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो दोनों भी यहाँ पर लिखे हुए, यू कैन चेक आउट। ये वाला पोस्टर भी मैं शेयर कर दूंगी। एंड इसके सिवा हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारी कंपनी में एंटर होने के सिर्फ दो ही वेज होते हैं। पहला होता है आप हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ज्वाइन करें, वहां पर कुछ स्किल सीखें ताकि मुझे पता चले आपकी स्किल लेवल क्या है, आप में क्या टैलेंट है। या फिर सेकंड, जैसे अभी आप प्रमोटर के लिए ज्वाइन हो रहे हो, वैसे आपको प्रमोटर के लिए भी सबसे पहले ज्वाइन होना होगा। देन टाइम टू टाइम में जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेती रहती हूँ, अगर आपने प्रमोटर के लिए ज्वाइन किया है तो मैं इन ट्रेनिंग सेशंस में भी आपको इन्वॉल्व करती रहूंगी। आपके स्किल बेसिस पर अगर मुझे ऐसा लगा कि आप प्रोमोटर की जॉब को सीरियसली ले रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तो मैं इन स्किल सेशंस में आपको ज्वाइन करूंगी और आप यहाँ पर अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो या शोकेस कर सकते हो। अगर मुझे इन स्किल सेशंस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो हमारी कंपनी के जो डिजिटल मार्केटिंग के अदर सर्विसेज हैं उनमें से जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसमें आपको प्रमोट किया जा सकता है। मीन्स आपका शुरुआत तो कमीशन बेस से ही होगी, बट विद द टाइम आपको अदर जॉब रोल्स भी दिए जाएंगे जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? मतलब वो जो होगी वो फिक्स्ड जॉब की तरह आपकी इनकम होगी, वहां पर जो आपको इनकम दी जाएगी वो जो आपको टास्क दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मंथली इनकम आपकी फिक्स्ड वाली डिसाइड की जाएगी। ठीक है, कोई ओके डाउट कोई क्यूरी? सेशंस के लिए अभी हम प्रमोशन स्टार्ट नहीं कर रहे, सो इसकी डिटेल मैं आपको ज्यादा नहीं दे रही हूँ, बट फिर भी जो करंटली पोस्टर्स बने हुए हैं वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो कि अगर कोई आपके नॉलेज में कोई बंदा इस चीज के बारे में पूछ रहा है कि मुझे कहाँ से सीखना चाहिए, तो आपको पता होगा कि आप यह हमारी कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको फिलहाल जो पूरा फोकस करना है अपना, उसका मैक्सिमम यूट्यूब वाली और गूगल रिव्यूज वाली सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स लाने के लिए करना होगा। ठीक है, क्लियर है? होप सो कोई डाउट नहीं है, कुछ क्यूरी हो तो पूछ लीजिए, बिकॉज जितना समझाने का था सेशन के अकॉर्डिंग उतना मैंने समझा दिया है। बट एज आपको एक नई जॉब स्टार्ट करना है तो मे बी आपके माइंड में कुछ क्यूरीज होगी, आप पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम, जैसे ये जो पोस्ट दिखा रहे हो आप, है ना, यूट्यूब वाला, वॉच टाइम वाला, ये मैं अपनी फेसबुक आईडी पे डालती हूँ, ठीक है, फेसबुक पे डालती हूँ, तो ये नंबर तो हाँ। आपका है। अब इसमें मेरा नंबर, मेरी आईडी कहाँ जाएगी? नहीं, वही मैंने कहा था कि इसके साथ में आपको एक कैप्शन लिखना है और उस कैप्शन में आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंस आईडी या रेफरेंस नेम, कंपलसरी आपको ओके, बताना है और उसमें नाम में आपका नाम देना होगा। कैप्शन डालना है नीचे। ओके इसके कैप्शन में आपको लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्ट विद दिस कैप्शन, सॉरी रेफरेंस आईडी। कांटेक्ट विद दिस और रेफरेंस आईडी आप लोग प्रोवाइड करते हैं। नहीं, आपका नाम लिखना है, सिंपली आपको आपका नाम लिखना ओके 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 है। और कई बार आप लोग दूसरे नाम से अपनी आईडी चलाते हैं तो प्लीज जिस भी नाम को आप वहां कैप्शन के लिए दें वही नाम मुझे बताइएगा। ठीक है, यस नहीं तो फिर मैं कंफ्यूज होंगी, मुझे लगेगा वो किसी और की बात कर रहा है और पता चल रहा है वो आपकी बात कर रहा था, है ना? ठीक है मैम, ठीक। और कुछ क्यूरी, किसी और को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? प्रमोशनल हाँ, ये होता है, आईडी ये भी रेडी है, जैसे 1 दिन में आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये हमें स्टार्ट करना हो तो कब से करना है? डीओटीपी ये आप आज से या कल से ही कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। सॉरी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। डीओटीपी
प्लीज फोन बोल रहा है, वापस से बोलिएगा एक बार। ये जियो में से आई थिंक कोई कनेक्टेड है। हेलो, ये नहीं, मैं बोल रही थी, ये सुमन बोल रही थी। मैं कह रही थी कि किसी ये को डार्क आवाज आ रही थी क्या? ओके हाँ ओके ठीक है। हाँ तो स्टार्ट आप चाहो तो आज से ही कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चाहो तो कल से कर लीजिएगा। और इस ग्रुप में अभी जो हम मीटिंग में लोग हैं वो शायद से ग्रुप में जुड़े हुए कुछ लोग नहीं है, तो प्लीज अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना होगा। उसके बाद में जितनी भी प्रमोशनल कंटेंट होगा, फोटोज और उसके साथ के कैप्शन, वो उसी ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आपको उस ग्रुप में कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा उस ग्रुप में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, ये आप बताएंगी ना हमें कैसे करना है, क्या करना है? कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है कंटेंट को, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना है। क्या इसमें करना शेयर है, करना है आपके फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी या आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो उसमें आपको शेयर करना है। आप चाहो तो सिर्फ स्टेटस लगा सकते हो, चाहो तो आपके पता है कि आपके पास कौन कौन से यूट्यूबर्स है तो उन्हें पर्सनल पे भेज दीजिए, या आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स है जहां पर आप इस चीज को शेयर कर सकते हो तो ग्रुप्स में पोस्ट कर दीजिए। तो पोस्टिंग जहां जहां आप कर सकते हो, आपका नेटवर्क जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा आपके पास जगह होगी शेयर करने के लिए। और अगर कम जगह है तो फेसबुक पर आप आईडी बनाइए, और कुछ ग्रुप्स आप सर्च कर सकते हो फेसबुक पे जहां पर बिजनेस प्रमोशंस होते हैं, या आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नाम डाल के सर्च करके आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, एक मिनट ये वाला मैं ऑफ करती हूँ और फेसबुक आईडी ऑन करती हूँ। एक सेकेंड, स्क्रीन स्क्रीन शेयर करिए, विजिबल है देखना, विजिबल है ना? तो देखो जिसमें सर्च पे जाएंगे हम, और सर्च पे जाकर आपको सिंपली जो भी जिस सिटी में आप रहते हो सिटी का नाम लिख देना। जैसे सुमन जी दिल्ली में है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली लिखा तो भी चलेगा, और दिल्ली के आगे आप दिल्ली वुमन्स या दिल्ली फ्रेंड्स इस तरीके के भी डाल सकते हो, दिल्ली बिजनेस के भी डाल सकते हो, इस तरीके से डालिए वो। और यहाँ पर आप चेकआउट करना कि फॉलोअर्स किसमें ज्यादा है, वुमन डालोगे तो कुछ लेडीज ग्रुप गंदे वाले भी होते हैं, सो प्लीज एक बार खोल के अच्छे से चेक कर लेना कि वो सही है या नहीं है। और फिर आप चेक करोगे तो जैसे यहाँ पे दिल्ली लेडीज ग्रुप लिखा हुआ है, 35K मेंबर्स लिखा हुआ है, स्पेशली जो के है वो थाउजेंड्स को डिनोट करता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप इसे ज्वाइन करो तो ग्रुप के पहली चीज ये देखना कि प्लस यहाँ पर जैसे 10+ पोस्ट अ डे लिखा हुआ है, ऐसे ही एक दिन में वहां पर कुछ प्लस एक्टिविटीज होती है या नहीं होती वो आपको चेक करना होगा। कुछ पोस्ट ऐसे ग्रुप्स होंगे जहाँ पे सालों में कभी पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर अगर स्टेप से बिना चेक करे आ रहे हैं तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। एक बार ग्रुप को अच्छे से चेक करना, दो चीजें अच्छे से चेक करना, पहले कितने मेंबर्स हैं, करीबन 1,000 से ज्यादा मेंबर्स होना चाहिए। दूसरा उसकी लेटेस्ट पोस्ट कितनी पुरानी है, डेली पोस्टिंग लेटेस्ट में आजकल में हुई हुई है तो ही यूज करना, अगर सालों से उसमें कोई पोस्टिंग नहीं हुई है तो आपकी भी पोस्टिंग नहीं होने वाली है, तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। और जिस भी ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे उसे ज्वाइन करने के बाद, सपोज जो मेरे ग्रुप से मैं ऑन करती हूँ उसको, यूं जाके आप ग्रुप्स में जाओगे, योर ग्रुप्स में जाओगे, और उन ग्रुप्स को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पोस्ट वाला जो ऑप्शन होता है वहीं से आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे फोटोज में जाकर जो फोटो मैंने भेजा है उस फोटो को आप कनेक्ट करोगे, और यहाँ पर जो कैप्शन दिया है उसको कॉपी पेस्ट करोगे, पेस्ट को ऑप्शन आता है थोड़ा क्लिक करके। कैप्शन में ही फोटो लगाना है, ध्यान रखना एक फोटो अलग से दे दिया और उसके बाद में टेक्स्ट लिखा,
ऐसा नहीं होगा। टेक्स्ट और कैप्शन और फोटो ये चीजें साथ में ही आएगी, ठीक है? क्लियर है? मैम। तो बस इतना सही करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ इतनी सी पोस्टिंग कर देंगे और ऊपर रेफरेंस आईडी याद से लिख देना। देखो मैं एक बार और लिख के बता देती हूँ, जो भी होगा मैं इसको मैसेज कर रही हूँ। ये वाला मैसेज हमने लिया, इसके टॉप पर हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट विद कॉन्टेक्ट रेफरेंस नेम और जो भी आपका नाम है। मिस मिसेज भी लगाना है तो आप लगा सकते हो। जस्ट नेम शिवानी खंडेवाल मैंने लिख दिया, दैट्स इनफ। ये चीज ऊपर लिख दोगे तो सामने वाला जब भी कांटेक्ट करेगा तो मैं उसे रेफरेंस आईडी ऑब्वियसली पूछूंगी कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, वो बता सकता है कि आपकी पोस्ट से मिली है। ठीक है, क्लियर है? अब श्वेता जी कोई डाउट है? नहीं क्लियर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, किसी और को कोई और डाउट? 1 मिनट लास्ट बचा है, रिस्टार्ट करना है कि मीटिंग क्लोज करना है? किसी और को कोई डाउट है? ठीक नो है, मीटिंग मैम। क्लोज करते हैं। अगर कोई फ्यूचर में कोई डाउट आता है, ये वीडियो देखने के बाद डाउट आता है, आप इसे ग्रुप में भी पूछ सकते हो, पर्सनल पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, बाय, मैम, थैंक थैंक यू, यू वेलकम, बाय।